वीर तेजादशमी के अवसर पर कोदरिया में हुआ मेले का आयोजन, मोती महल परिसर में हुई संगीत निशा। मालवा मिरर के लिए दिनेश राजपूत की खबर। महू के कोदरिया स्थित वीर तेजाजी मंदिर पर तेजादशमी के उपलक्ष्य में भव्य मेले का आयोजन किया गया। इसके बाद तेजादशमी को लेकर एक संगीत निशा का भी आयोजन हुआ, जिसका भक्तों ने भरपूर लुत्फ उठाया। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त निशान व छतरी लेकर पहुँचे, जो बाबा को चढ़ाई गई। मेले के इसी स्थान पर भगोरा मित्र मंडल द्वारा बाबा रामदेव की कथा का भी आयोजन किया गया था। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और मेले के बाद झंकार म्यूजिक ग्रुप कोदरिया द्वारा संगीत निशा का आयोजन मोती महल परिसर में किया गया, जिसका संचालन जयराज कांबले ने किया। मेले के आयोजनकर्ता देवेंद्र पाटीदार ने मालवा मिरर को बताया, आज जैसे बारिश की वजह से थोड़े से जितने पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कई लोगों का आना जाना सुबह से ही 9 बजे 6 बजे से ही यहाँ पर पूजन शुरू हो चुका था, और उसके बाद धीरे धीरे अभी शाम तक अभी 5:30 बजे करीब यहाँ पर 150-200 निशानों का निशान आए। यहाँ पर अखाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया और उनके उसके बाद ध्वज की पूजा करने के बाद सभी निशानों को ठंडा करने के बाद बाबा को समर्पित किए गए, छत्र चढ़ाए गए। और आज सुबह ही जो लोक कथा जो तेजाजी महाराज की जो लोक कथा भगोरा मित्र मंडली द्वारा जो की गई थी, उसका समापन भी आज सुबह 7:45 बजे ही हुआ है। यह कितने वर्षों से लग रहा है सर? यह करीब 25 से 30 वर्षों से लगातार यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। लगभग कितनी जनता आती होगी? लगभग ये मान के चले अपन 5 से 7-10 हज़ार यहाँ पर जनसंख्या पहुँचती है। कुछ जन भागीदारी से भी होता है, बाकी सबका सहयोग हमें मिलता है तेजाजी महाराज की कृपा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।